सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल पे ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं, सेकंड हैंड कार से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं, मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे न्यू वीडियो की अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। आज मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको, नो बिगनर्स। खासकर ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, ये वीडियो बहुत काम आने वाली है आपको। क्या होता है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का जो पैरों का पोजीशन होता है, न्यू बिगनर्स खासकर गलत यूज़ करते हैं, गलत तरीके से पैर रखते हैं। पैर रखने का तरीका बताऊँ कैसा होता है। देखो क्या होता है कि जब न्यू बिगनर्स होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, पैरों के पोजीशन सही तरीके से रखते हैं। लेफ्ट वाले पैर से ब्रेक मारते हैं और राइट वाले पैर से कहीं एक्सीलेटर जगह ब्रेक की जगह एक्सीलेटर, जिससे होता है एक्सीडेंट। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लच ब्रेक एक्सीलेटर में पैर कैसे रखें और कैसे यूज करना है। क्या होता है, पैरों की ताकत होती है तेज, तो तेज दबता है। न्यू बिगनर्स में ये होती है, जब नए नए तरीके से गाड़ी सीख रहे हैं, ग्राउंड में सीख रहे हैं, तो क्या होता है, एक्सीलेटर को बहुत तेज दबाते हैं, ब्रेक को बहुत तेज दबाते हैं, जिससे पीछे भी हादसा हो सकता है और सामने अपना टच हो सकता है, भिड़ सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में सारी चीजें, बारीकी चीजें बहुत, न्यू बिगनर्स खासकर वीडियो को बिना, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो दो पैर से अपने, ये दो पैर से ऑपरेट करना बहुत कंपलसरी है। अब ये नहीं पता होता है न्यू बिगनर्स में कि भाई पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। एक्सीलेटर उठा के इधर ले आते हैं, इधर लेकर चले जाते हैं, ये गलत चीज़ होती है। क्या होता है, पैर उठता है ना तो ताकत से ही दबता है, प्रेशर से ही दबता है। और ये होते हैं बहुत स्मूथ पावर वाले, बोलते पावर ब्रेक है, पावर एक्सीलेटर है, पावर क्लच है। क्लच को आप भले ही तेज दबा सकते हैं एक सेकंड में, ऐसे कि फुल दबाना बहुत कंपलसरी है, तो क्लच को दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं आप इसको, पूरा दबा सकते हैं। और एक चीज़ और, हवा में फेंकते हैं तो क्या होता है, गाड़ी होती है बंद, तो क्लच जो रहता है, जो लेफ्ट वाले पैर से ऑपरेट करते हैं, लेफ्ट वाले पैर से इस वाले पैर से, और ब्रेक और एक्सीलेटर होता है तो इस वाले पैर से। लेकिन यहाँ पैर जमाने की और पैर रखने की पोजीशन सीखनी है अपन को। इसको अपन को इस पोजीशन पर रखनी है, वी शेप में, दोनों तरफ पैर को इस, सो गाइस रखने का पोजीशन बता रहा था मैं आपको कि यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं अपन। ये क्या होता है, अगर उठा के बार बार लाने में समय लगता है, तो ये ध्यान रखना अपन को कि पैर उठा के लाने में समय लगता है, तो यहाँ पोजीशन सही रहेगी तो अपन को पैर मुड़ने का भी चांस रहता है। ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक, तो ये याद रखना कि बीच वाला ब्रेक है और राइट तरफ एक्सीलेटर है, बीच वाला ब्रेक है, राइट तरफ एक्सीलेटर है, तो ये ध्यान रखना। और ये क्लच होता है, और बहुत से गलती करते हैं, क्या करते हैं, एक्सीलेटर दबा के रखते हैं, लेफ्ट वाले से ब्रेक मारने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है भाई लाइफ की, क्योंकि आपको पता होगा 50-60 की स्पीड में रहता तब आप एक्सीलेटर अगर दबा के रखेंगे तो ब्रेक नहीं आएगा, ब्रेक पोजीशन नहीं लगेगा। अगर एक्सीलेटर दबा हुआ ब्रेक लगाएंगे तो कभी भी ब्रेक नहीं लगता एक्सीलेटर दबा के, एक्सीलेटर छोड़ के, स्पीड को छोड़ के ही ब्रेक आएगा, और 35 तक डायरेक्ट ब्रेक आएगा, उसके बाद आपको क्लच दबाना बहुत कंपलसरी है। तो पोजीशन इस तरीके से अपन को कुछ रखनी है। और क्लच क्या होता है, जब क्लच रखते हैं तो क्या होता है, क्लच पूरा हवा में छोड़ते हैं, जिससे होती है गाड़ी बंद। इसको छोड़ने का तरीका होता है, एड़ी को जमा कर पंजे से उठाना, ये उठ रहा पंजे से, धीरे धीरे उठा सकते हैं, धीरे धीरे पीछे खींच सकते हैं अपन, ये उठ गया, छोड़ सकते हैं फिर इसको ये, लेकिन पंजे पे रखनी, बहुत से लोग ऐसे पैर रख लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। ये पूरा किया और एड़ी को जमा कर धीरे, क्या पैर को वहाँ पे स्प्रिंग रहती है क्लच को, तो फेंकता है ऊपर को, तो फेंकने नहीं देना पैर को, एड़ी को जमा लोगे तो पैर को ताकत धीरे धीरे से छूटेगा, वो फेंकेगा नहीं, अपना पैर सही रहेगा। ये इस तरीके से छोड़ सकते हैं, फिर दबा सकते हैं, ये ऐसे फिर छोड़ सकते हैं, जो क्लच का पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इसमें क्या होती है, आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, कभी भी आपको क्लच में गाड़ी कभी बंद भी नहीं होगी इस तरीके से, एड़ी को जमा के पंजे को उठाने से कभी गाड़ी बंद भी नहीं होगी। और यहाँ राइट वाला पैर जो मूवमेंट का तरीके का होता है, तो आपको पता होगा कि ये भी सारी चीज़ें बेस्ट रहेंगी। और आपका जो एक्सीलेटर तेज़ दबता है, जो बोलते भैया बहुत तेज़ भग रही गाड़ी, और एक्सीलेटर ब्रेक अचानक से तेज़ी लगा दे, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ अंगूठे का पोजीशन होता है, यहाँ से भी नॉर्मल अंगूठा, सिर्फ ये अंगूठे कोने से ही हमेशा एक्सीलेटर को दबाना होता है। पूरा पैर रख कर दबाने से क्या होता है कि यहाँ बहुत, हाँ एक गलती करते हैं बहुत लोग, एक्सीलेटर को पूरा पैर रख लेते हैं। पूरा पैर रखने से एक्सीलेटर का जो पावर होता है, पूरा पैर का पावर लगता है, और यहाँ पर रखने से
सिर्फ अंगूठे से अंगूठे का पावर रखता है तो पोजीशन एक्सीलेटर का स्पीड लेवल सही चलता है। पूरा पैर नहीं रखना एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे भी ऐसे ही है नॉर्मली, अंगूठे से ही ब्रेक करेंगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो तेज़ ब्रेक भी नहीं लगेगा और ब्रेक आराम से लगेगा, पावर्स ब्रेक है, आराम से जहाँ बोलोगे वहाँ रुक जाएगी गाड़ी, लेकिन आराम से मारना होता है। कुछ इस तरीके से पैरों की पोजीशन क्लच ब्रेक एक्सीलेटर में रखनी होती है। तो गाइस समझ आया होगा आपको क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का पैरों का पोजीशन कैसा होता है और कैसे रखना है पैर और कैसे ऑपरेट करना क्लच ब्रेक एक्सीलेटर को। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा जिससे न्यू वीडियो की अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टिप्स लेकर, जब तक के लिए जय हिंद।